हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वाईटी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हमें रेडमी नोट 9 इंडिया में एंड्रॉयड 12 का स्टेबल अपडेट आखिर क्यों नहीं देखने के लिए मिलने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको पता है कि रेडमी नोट 9 सीरीज में से हमें केवल रेडमी नोट 9 को ही एंड्रॉयड 12 का अपडेट देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। बाकी हमें रेडमी नोट 9 प्रो और रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स में हमें एंड्रॉयड 12 का स्टेबल अपडेट अपकमिंग में 100% देखने के लिए मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ रेडमी नोट 9 के एंड्रॉयड 12 के स्टेबल अपडेट से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप एक वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप मेरे वाईटी चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ जल्दी से मेरा वाईटी चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं अब रेडमी नोट 9 के एंड्रॉयड 12 के स्टेबल अपडेट की, कि हमें रेडमी नोट 9 में आखिर एंड्रॉयड 12 का स्टेबल अपडेट इंडिया में और चाइना में हर जगह क्यों नहीं देखने के लिए मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, रेडमी नोट 9 सीरीज जब इंडिया में लॉन्च हुई थी तो रेडमी नोट 9, रेडमी नोट 9 प्रो और रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स बिल्कुल साथ साथ ही लॉन्च हुए थे, और हमें रेडमी नोट 9 को छोड़ करके रेडमी नोट 9 प्रो और रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स में एंड्रॉयड 12 का स्टेबल अपडेट वो भी इंडिया में और बाकी हर जगह देखने के लिए मिल रहा है। मगर हमें रेडमी नोट 9 में ही एंड्रॉयड 12 का स्टेबल अपडेट नहीं देखने के लिए मिल रहा है। तो मैं आपको इसका केवल एक ही रीज़न देता हूँ, क्योंकि इसका केवल एक ही सबसे बड़ा रीज़न है कि रेडमी नोट 9 में एंड्रॉयड 12 का स्टेबल अपडेट इसी रीज़न की वजह से नहीं देखने के लिए मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसका एक ही रीज़न बता देता हूँ कि रेडमी नोट 9 में एंड्रॉयड 12 क्यों नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स, रेडमी नोट 9 इंडिया में रेडमी नोट सीरीज़ के नाम से जानी जाती है, और रेडमी नोट 9 चाइना में रेडमी 10X 4G के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स, रेडमी 10X 4G एक रेडमी सीरीज़ है, ना कि एक रेडमी नोट सीरीज। तो फ्रेंड्स, यही एक सबसे बड़ा रीज़न हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है कि रेडमी नोट 9 में एंड्रॉयड 12 का स्टेबल अपडेट देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि रेडमी सीरीज में केवल एक ही एंड्रॉयड का अपग्रेड देखने के लिए मिलता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रेडमी की तरफ से एक न्यू पॉलिसी भी सामने आई थी कि हमें उसमें रेडमी नोट सीरीज, रेडमी सीरीज या हमें उसमें मी सीरीज में अब से कितने एंड्रॉयड के अपग्रेड देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ, क्या हमें रेडमी 10X में दो एंड्रॉयड के अपग्रेड देखने के लिए मिलेंगे, या फिर हमें केवल उसमें एक ही एंड्रॉयड का अपग्रेड देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अभी भी हमें रेडमी सीरीज में केवल एक ही एंड्रॉयड का अपग्रेड देखने के लिए मिलता है, तो इसलिए हमें रेडमी 10X 4G में एंड्रॉयड 12 का स्टेबल अपडेट बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हमें रेडमी 10X 4G यानी कि हमें रेडमी नोट 9 में एंड्रॉयड 10 से एंड्रॉयड 11 देखने के लिए मिल चुका है। तो अब हम बात कर लेते हैं, क्या हमें रेडमी नोट 9 में गूगल का अपडेटर कभी देखने के लिए मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स, हमें रेडमी नोट 8 प्रो, रेडमी नोट 9 प्रो और अभी हमारे पास जितनी भी इंडिया में रेडमी नोट सीरीज और एमआई की सीरीज या पोको की सीरीज है, हमें अब उन सब में गूगल का ऑफिशियली न्यू अपडेटर देखने के लिए मिलने वाला है। इसका मतलब कि अब से हमें एवरी एवरी मंथ न्यू सिक्योरिटी पैचेस के अपडेट्स रोलिंग आउट होने स्टार्ट हो जाएंगे। मगर फ्रेंड्स, बैड न्यूज़ यही है कि रेडमी नोट 9 में हमें गूगल का भी अपडेटर देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि रेडमी नोट 9 एक रेडमी सीरीज है चाइना में, और रेडमी सीरीज में हमें गूगल का अपडेटर देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि हमें रेडमी सीरीज और रेडमी नोट 9 में हमें एवरी मंथ सिक्योरिटी पैच कभी भी देखने के लिए नहीं मिलने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। रेडमी नोट
9 के लिए। तो फ्रेंड्स यही थी आज की फुल वीडियो रेडमी नोट 9 के एंड्रॉयड 12 और गूगल के अपडेटर से रिलेटेड, कि हमें इसमें ये दोनों चीज़ें बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलने वाली हैं। तो फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप एक वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप मेरे बाइटी चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरा बाइटी चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए।